जस्टिस उज्जल भुयान ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया। सौंदराजन ने राजभवन में जस्टिस उज्जल भुयान के साथ मिलकर उन्हें ओहदे का हलफ दिलवाया। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और कई वुजरा ने शिरकत की। जस्टिस उज्जल भुयान ने रियासती हाई कोर्ट के 5वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर ने राजभवन में जस्टिस उज्जल भुयान को ओहदे का हलफ दिलवाया। चीफ मिनिस्टर केसीआर समेत कई वुजरा ने चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में शिरकत की। केसीआर राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान बढ़ती हुई दूरी के तनाजुर में तकरीबन 8 महीने बाद चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए राजभवन गए थे। केसीआर को सलाम करते हुए राजभवन के अंदर चले गए। 2 अगस्त 1964 को गुवाहाटी में पैदा होने वाले चीफ जस्टिस उज्जल भुयान बतारीख 20 मार्च 1991 से गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकील के तौर पर काम कर रहे हैं। 17 अक्टूबर 2011 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज के तौर पर उनका तकरर अमल में लाया गया। इसके बाद उन्हें 3 सितंबर साल 2019 को मुंबई हाई कोर्ट के जज के तौर पर तब्दील कर दिया गया। बाद में जस्टिस उज्जल भुयान जिन्हें 22 अक्टूबर को रियासती हाई कोर्ट के जज के तौर पर मुकर्रर किया गया था, इन्हें तरक्की देकर चीफ जस्टिस के ओहदे पर पहुंचा दिया गया। I, Justice Ujjal Bhuyan, having been appointed Chief Justice of High Court of for the State of Telangana, Chief Justice of the High Court for the State of Telangana, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India As by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability. I request all the guests and dignitaries to join us for the high tea. Our staff will escort to the Batkamma lawns where the high tea is arranged. Thank you.